मॉर्निंग कक्षा नवमी विषय गणित। आज लेंगे महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इम्पोर्टेंट जो परीक्षा में आने वाले हैं उनके बारे में जानकारी दे रहे हैं। पहला इसमें यदि पी ए बी बराबर पी क्यू एवं बी सी बराबर क्यू आर एवं सी ए बराबर पी आर हो तो ए एबीसी सर्वांग सम है त्रिभुज पीक्यूआर के, बी त्रिभुज पीक्यूआर सर्वांग सम है एसी, ए सही है इसका ऑप्शन। दूसरा है त्रिभुज के चार कोणों का योगफल होता है 360 अंश। तीसरा आयत का प्रत्येक कोण होता है 90 अंश। यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान हो तो वह समांतर चतुर्भुज होगा। पांचवा वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होती है। चतुर्भुज में कितने कोण होते हैं? चार कोण। तीन संरेखी बिंदुओं से गुजरने वाली वृत्तों की संख्या होगी अनंत। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। किरण के सूत्र द्वारा किसका क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है? त्रिभुज का। संपूर्ण कितने अंश का होता है? 90 अंश। बच्चों एक महत्वपूर्ण प्रश्न उसके बारे में बता रही हूं। क्वेश्चन है कि कोण किसे कहते हैं? तो आंसर है तीन रेखाएं भुजाओं से घिरी आकृति को कोण कहते हैं। कोण के प्रकार पहला है समकोण, दूसरा न्यून कोण, समकोण है 90 अंश का, न्यून कोण होगा 60 अंश का, अधिक कोण होगा 120 अंश का, पूरक कोण होता है किसी भी दो जो कोण है उनके युग्म का योगफल जो है होता है 90 अंश, यानी एक ले लेंगे 60 अंश का, दूसरा हो जाएगा 30 अंश, तो 60 × 30 कितना होगा? 90 अंश। ठीक। पांचवा होता है संपूरक कोण, दो किन्हीं दो कोणों का योगफल 180 अंश होना चाहिए। तो एक कोण यदि 100 अंश का है तो दूसरा कोण कितने का होगा? 80 अंश का, टोटल होना चाहिए 180 डिग्री। छठवा आता है सरल कोण, किसी सरल रेखा में जो खींचा गया कोण है सरल कोण होता है 180 अंश का। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया।